नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आपने वन वे सुना होगा। जी हाँ, वो रास्ता जिससे आप सिर्फ जा सकते हैं, लौट नहीं सकते। कई लोग बातों बातों में वन वे का जिक्र करते हैं, जैसे क्राइम का वन वे। ऐसे वन वे खतरनाक जगहों पर जाकर खत्म होते हैं। अकेलापन भी एक किस्म का वन वे है। अपने अकेलेपन से जूझता इंसान क्या करता है? रास्ते खोजता है। और जब हम एलके पान भंडार तक को ढूंढने के लिए इंटरनेट के भरोसे रहते हैं, तब यही इंटरनेट आपको आपके अकेलेपन से निकलने का भी रास्ता सुझाता है। लेकिन एक क्लिक पर दिखाई देने वाले ये अनगिनत रास्ते असल में एक ही जगह जाकर मिलते हैं। राजस्थान से निकलकर ये रास्ता पश्चिम बंगाल के किसी अनाम शहर तक जाता है, इंटरनेट पर फैले हजारों डेटिंग ऐप्स के जरिए। कैसे? अब ये सुनिए। हमारे एक पाठक ने अपनी आपबीती सुनाई है। हम सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी इंटरनेट पर फैले कई डेटिंग ऐप्स का फर्जीवाड़ा सामने लाती है। नाम बताने की जरूरत नहीं, अपने आसपास नजर उठाइए और किसी भी शख्स का चेहरा इस लड़के का चेहरा मान लीजिए। भारत के एक बड़े शहर में रहने वाला लड़का। कई महीनों तक अपने अकेलेपन से जूझने के बाद इन्होंने पिछले महीने एक फैसला लिया, दोस्त तलाशने का फैसला। जब इस लड़के को इस शहर में घर चाहिए था तो ये प्रॉपर्टी डीलर से मिला, लेकिन इस बार इसे एक पार्टनर चाहिए था और उसके लिए इंटरनेट था ही। इंटरनेट पर सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोकल दोस्त ढूंढने का दावा करती हैं। इन्हें डेटिंग साइट्स कहते हैं। एक रात से लेकर लंबी दूरी तक चलने वाली दोस्ती बेचने वाली ऑनलाइन दुकानें। इस लड़के ने भी ट्राई करने की सोची। एक मशहूर वेबसाइट से शुरुआत हुई। वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, फोन लगा राजस्थान। उधर से किसी लड़की ने फोन उठाया। इन्हें बताया गया कि आपके लोकल एरिया में बहुत सी लड़कियां आपसे दोस्ती करने को उतावली हैं, बस उन्हें आपका मोबाइल नंबर चाहिए। इन्होंने कहा तो दे दो मेरा नंबर। बोला गया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी और उसके लगेंगे 900 रुपये। जब लड़का पैसे देने को तैयार हो गया तो एक बैंक अकाउंट दिया गया। बैंक खाता था पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का। पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा करा दिए गए। अब शुरू हुआ दूसरा खेल। जब लड़का 900 रुपये जमा करवा रहा था तब बताया गया कि आगे अब किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और पैसे जमा कराते ही लोकल इलाके के ही 4-5 मोबाइल नंबर और तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी। पैसे जमा कराने के बाद एक लड़की का नंबर दिया गया। कहा गया कि लड़की भी दोस्त तलाश रही थी और इसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। दोनों ने 3 दिन तक बात की। कंपनी से लड़के को फोन आया कि अब आपको 17,500 और जमा कराने होंगे। पूछने पर बताया कि प्रोफाइल मैच कराने के लिए इतना ही पैसा चाहिए। कहा गया कि जब तक पैसे जमा नहीं करेंगे लड़की आपसे मिलेगी नहीं। पैसे जमा करा दिए उसी पश्चिम बंगाल के अकाउंट में। फिर बताई गई होटल की स्कीम। राजस्थान से ही फोन आते रहे। होटल स्कीम क्यों? कहा गया कि आप दोनों को कहीं तीसरी जगह मिलना होगा ताकि दोनों की सेफ्टी बरकरार रहे और उसके लिए कंपनी का कई होटलों से टाई अप है। आपको सिर्फ पैसा जमा कराना होगा। कितना? 26,000 रुपया। क्यों? ताकि आप इस 3-स्टार होटल में एक दूसरे से 45 दिनों तक बेझिझक मिलते रहें। फुल पैकेज। अब शुरू हुआ एक नया खेल। जब लड़के को लगा कि ये तो सरासर बेवकूफी है, तब लड़के ने कहा कि मैं अब पैसा जमा नहीं करा सकता, मेरे पास अब पैसा है नहीं, आप मेरे पैसे वापस कर दो। कंपनी का जवाब आया कि रिफंड लेने के लिए भी पैसा जमा कराना होगा। कमाल है, पैसा लेने के लिए और पैसा देना होगा। पहली बार सुना। कितना देना होगा? उतना ही जितना अब तक ये लड़का दे चुका था। फिर सारा पैसा वापस कर देंगे। लड़के ने सोचा कि जब पैसा उतना ही देना है तो रिफंड क्यों ही लूं, होटल वाले को ही 26,000 क्यों ना दे दूं। दे भी दिए। अब दूसरी चोट हुई। क्या? कंपनी ने जिस लड़की का नंबर दिया था 3 दिन बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। राजस्थान फोन किया तो बताया गया कि कोई पर्सनल दिक्कत हो गई है, कंपनी किसी और लड़की का नंबर दिला देगी। अगले दिन राजस्थान से फिर फोन आया। कहा गया कि दूसरी लड़की का नंबर लेने के लिए 7,000 और देने होंगे। वो भी दिए। दूसरी लड़की ने मिलने से अगले दिन ही मना कर दिया और अब एक सिलसिला सा शुरू हो गया।
धीरे धीरे लगातार अलग अलग बहाने बनाकर पैसा लिया जाने लगा। और अब वो हुआ जो वाकई डराने वाला है। ये डेटिंग साइट्स एक तरह का वन वे है, कहा था। ये वन वे क्यों है? एक बार जाने के बाद वापसी क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार कॉल करके आप अपना नंबर, अपनी लोकेशन, पता किए जाने की संभावनाएं, अपनी पहचान, सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं। फिर आपको आती हैं धमकियां कि इतना पैसा दे दो, नहीं तो घर वालों को बताएंगे कि तुम कॉल गर्ल ढूंढ रहे हो या जिगोलो बनना चाहते हो। अब कौन लड़का चाहेगा कि उसके घर वालों को पता चले कि अब IAS, IIT, IIM का सपना छोड़कर उनका बेटा जिगोलो बनना चाहता है। जिगोलो माने मेल सेक्स वर्कर। इस धोखाधड़ी में भी एक पैटर्न है। एक डेटिंग साइट से धोखा मिला, उसके बाद लड़के ने सोचा क्यों ना इसका पैटर्न पता करें। फिर इसने देश भर की कई डेटिंग साइट्स की मेंबरशिप ली, प्राइम मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप। लोकल दोस्त बनवाने का वादा करने वाली इन साइट्स में सिवाय धोखे के आपको और कुछ नहीं मिलेगा। हर डेटिंग साइट का कॉल सेंटर राजस्थान में है और सबने पैसा जमा कराने के लिए पश्चिम बंगाल के ही बैंकों का अकाउंट नंबर दिया था। लड़के ने सभी के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा जमा भी कराया, लेकिन कहानी में कोई चेंज नहीं आया। कहानी अब भी वही है। द ललन टॉप के एक रीडर की ये कहानी आपने सुनी। अब तक करीब 2 लाख रुपए गंवा चुके इस शख्स की कहानी सुनकर डेटिंग साइट्स के फर्जीवाड़े की सच्चाई सामने आती है। जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो कहीं कोई गुमनाम ग्राहक किसी गुमनाम बैंक खाते में अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे ट्रांसफर कर रहा होगा। उसे नहीं पता होगा कि उसके साथ ठगी हो रही है, लेकिन लड़कियों से दोस्ती के नाम पर हो रही इस ठगी की बात सामने आती क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को शर्म आती है, नहीं आनी चाहिए। आपकी इस शर्म पर इनका पूरा कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत कीजिए। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने इसी तरह की ठगी करने वाला एक पूरा गैंग गिरफ्तार किया है, क्योंकि किसी ने शिकायत की थी। हो सकता है आपकी एक शिकायत कई जिंदगियां बचा ले। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एंड्रॉयड ऐप तो आ ही चुका है, इंस्टॉल कर लीजिए। शुक्रिया।